अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। आज अब मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी रेमेडी और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है और मेरी एक मैंने इसको मतलब एक टाइम मैंने इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने दोबारा ये तेल बनाया है। तो इससे बाल ना के लंबे होंगे बल्कि हेल्दी और ग्रो भी करेंगे। तो ये 100% यानी कि आजमुदा है और ये मतलब बहुत मैंने रिसर्च करके बहुत अच्छी सी रेमेडी बनाई है। तो आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा, 100% इसके रिज़ल्ट हैं। तो रेमेडी कोई इतनी मतलब ज़्यादा वैसी भी नहीं है कि आप लोगों को मतलब नहीं मिल पाए, तो बहुत इजी से है। तो पहले जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए। तो आधा प्याला मेथी दाना और 14 विटामिन की कैप्सूल, 4 अदद लहसुन के जो है, और 2 प्याली सरसों का तेल और एलोवेरा तेल जो कि पंसार की दुकान पर मिल जाएगा, और 2 जो है मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली है, और 2 प्याली जो है सरसों के तेल के हैं। सरसों का तेल लाजम लेना है, नहीं तो आप इसे मतलब कोकोनट ऑयल वगैरह या मस्टर्ड ऑयल में आप बना सकते हैं, लेकिन मैं मस्ट रिकमेंड करूँगी कि सरसों का ऑयल ऑयल हो जो कि ओरिजिनल हो, और इसको हल्की आंच पे ही इसमें हमें पकाना है। जैसे कि जो हलीम के लिए प्याज नहीं होती है, तो मैंने फॉरवर्ड वीज़ा से करी है, फास्ट फॉरवर्ड करी है, क्योंकि आप लोगों का कम टाइम लें और अच्छी सी रेमेडी आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों का कम टाइम लगे। तो आप समझना है और देखना है, आप उसको स्किप ज़रूर नहीं करिएगा। इसे हमें डार्क ब्राउन करनी है, जैसे कि हमारी जो हलीम के लिए प्याज नहीं होती वो वाली। तो लाइक इसे आप हल्के आंच पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फल चाहने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इसको आराम से सुकून से इसे ब्राउन कर लें, लाइक ये इस तरह की ब्राउन हो जाएगी। तो जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम उसको निकाल लेंगे और फिर जो छन्नी में उसको छान लेंगे। ठीक है, अब हमने जो है फ्लेम बंद कर दिया है। ठीक है, फ्लेम बंद करने के बाद हम फिर इसे मेथी दाना, छोटा वाला मेथी दाना है जो पंसार से आपको मिल जाएगा, हम उसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद देख लें ठंडा हो जाए, देखिए कोई धुआं हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। फिर ये मतलब इस पॉइंट पे जब आ जाएगा, मतलब ये लाइट ब्राउन करना है, हम इसको जलाना नहीं है। ठीक है, लाइट जब ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसको अच्छी तरह से देख लेना है और फिर इसको छान के आप किसी भी जार में या किसी भी, मैंने पहले बाउल में निकाला था, ठीक है ना, बाउल में निकाल लिया है इसको, ठंडा करके बाउल में निकाल के, और फिर इसमें हमने एलोवेरा तेल ऐड कर लेना है। ठीक है, एलोवेरा तेल जो है वो भी आधी प्याली के करीब है। ठीक है, और इसमें 14 जो विटामिन ई के बड़े वाले कैप्सूल लेने हैं और उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको ना 5 घंटे हम इसको लगाना है। ठीक है, ओवरनाइट भी हम इसको लगा सकते हैं, और जब भी लगाना है हम इसको गर्म करके लगाएंगे, इसको यूज़ करें, इसको बनाएं, और इसको मतलब इस क्वान्टिटी में आप 1 महीने तक उसको ख़त्म कर लें और फिर दोबारा उसको बना लें। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।